नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। देखिए, कोटा में फंसे बिहारी छात्र छात्राओं की चिंता को लेकर हम लगातार सजग हैं। कल शाम से ही लगातार कोटा में फंसे बिहारी छात्र छात्राओं का हाल आपको हम बता रहे हैं, सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। कल आपने पहला वीडियो देखा था जिसमें छात्र छात्राओं की फरियाद थी नीतीश कुमार से, जो वो कहना चाहते थे वह हमने आपको सुनाया था। और इसके बाद माता पिता जो परेशान हैं उन्होंने क्या कहा यह भी दिखाया था। तो देखिए, अब इसी कड़ी में यह तीसरा वीडियो आप फिर से, हम दूसरे छात्र छात्राओं की बात करते हैं, कोटा में ही फंसे हैं, क्योंकि फोन कॉल्स इतने आए हैं कि मत पूछिए। तो सुनिए क्या कह रहे हैं परेशान छात्र छात्राएं। हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं कोटा से बोल रही हूँ। कोटा से बोल रही हूँ, क्या नाम है? सर, मेरा नाम स्वाती है। मैं यहाँ पे लास्ट ईयर ही आई थी पढ़ने के लिए। लास्ट ईयर आप पढ़ने गई थी? कहाँ की रहने वाली हैं बिहार की आप? पटना की सर। पटना में कहाँ की? पटना में न्यू जगनपुरा ओपन माइंड बिरला स्कूल के अच्छा, पास। अच्छा, क्या समस्या हो रही है अभी आपको? सर, ये हम यहाँ तो नीट, मेरा जो नीट का एग्जाम देना था मेरे को, उसका भी सेंटर पटना ही डाला हुआ है मैंने फॉर्म में। और मेरी मम्मी मेरे को यहाँ पे लेने के लिए आई थी। एंड मेरे साथ, हाँ मेरे साथ मेरी मम्मी भी फंस गई सर। एंड मेरे घर पे मेरे भाई बहन लोग अकेले हैं, तो हमारा जाना इम्पोर्टेंट है। क्या नीति संकल से क्या कहना चाहती हैं आप, बताएं सर, प्लीज हमारे जाने के लिए कुछ कर किया जाए। चलिए, आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक जब तक कोई व्यवस्था न हो जाए, सरकार की उद्घोषणा न हो, आप सलामत रहिए, हाँ। वहीं बने रहिए, ठीक है ना? ठीक है सर। हेलो जी। जी, फोन करना था बिहार के फंसे बच्चों के लिए। जी, आप कहाँ, कोटा से बोल रहे हैं? जी, हम कोटा से बोल रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? क्या जी, शुभ नाम हुआ हमारा रितेश शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं बिहार के? पटना। अच्छा, क्या समस्या हो रही है? समस्या हो रही है सर, खाना पीना सही से मिल नहीं रहा, खुद से बनाना पड़ रहा है। अच्छा, दोनों टाइम पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, तो आपके जो दूसरे साथी हैं वो साथ में हैं या चले गए? नहीं, सब लोग तो बिहार का यहीं फंसे हुए हैं हम लोग। किस इंस्टीट्यूट में हैं आप लोग? एलएन करियर इंस्टीट्यूट। अच्छा, कोई व्यवस्था की है लोगों ने? कर तो रहे हैं, कुछ कुछ ज्यादा नहीं कुछ किए हैं। हम तो गए थे तो नहीं कुछ बोले, बोले कि 20 के बाद कोई व्यवस्था होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। चलिए, तो आप माता पिता से संपर्क में है ना अपने? हाँ, वो भाई है। चलिए ठीक है, आपकी बात पहुंचाई जाती है, ठीक है ना? आप बिहार सरकार करेगा मदद? देखिए, अब कोशिश की जा रही है, अब लेकिन जहाँ है वहीं सजग रहिए, सतर्क रहिए, और जब तक सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है वहीं बने रहिए, ठीक है ना? योगी जी तो बुला लिया, नीतीश जी को भी बुलाना चाहिए ना सर। चलिए ठीक है, बात की बात पहुंचाई जाती है, ठीक है ना? हाँ सर, मेरे घर आना है मेरे को। क्या नाम है बाबू आपका? रजनीश। रजनीश जी, कहाँ के रहने वाले हैं बिहार के आप? बिहार में मोतिहारी, मेरा वो डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी के रहने वाले। क्या परेशानी हो रही बाबू? यहाँ पे मेरी, मेरे साथ मेरी सिस्टर है और पढ़ाई नहीं हो रहा है। मैं केवल अपने माँ बाप का दो ही बच्चे हैं, और मैं और मेरी सिस्टर, और मेरी माँ वहाँ पे घर पे रोती है। घर पे रोती है और यहाँ पे बहुत माँ घर पे रोती है। दोनों है, दोनों बच्चे वही कोटा में ही है। कोटा में ही है। आप क्या कहना चाहते हैं नीतीश अंकल को? मैं घर पे जाना चाहता हूँ, और यहाँ पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, मन भी नहीं लग रहा है, और यहाँ कोरोना वायरस बढ़ते जा रहा है। चलिए, आपकी बात हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक थोड़ा धैर्य रखें, और जब तक सरकार की उद्घोषणा न होती है न निकले। धन्यवाद। हेलो। हेलो जी, बताएं। मैं निहार की हूँ और मैं कोटा में हूँ सर। क्या नाम आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम सुलक्षा। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है बिहार की? बिहार में पटना से रहने वाली हूँ। क्या, किस इंस्टीट्यूट में हैं आप? किस इंस्टीट्यूट में हैं आप? इंस्टीट्यूट। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं आप बिहार सरकार को? बिहार से कहना चाहती थी, मुझे घर जाना है। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है वहाँ? मतलब परेशानी ये है सर कि मतलब यहाँ पे स्ट्रेस बहुत हो रखा है, और अब जैसे बहुत सारे बच्चे भी घर जा चुके हैं। अच्छा। और तो हमें घर जाना है, बस यहाँ पे इतनी अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो रही है, क्योंकि मतलब बहुत स्ट्रेस रहता है, डर लगा रहता है। जी जी। तो जिस
कारण हम यहाँ रुके थे इतने दिन से कि हमारी पढ़ाई हो रही है, ये सब कारण, और पेपर था हमारा तो वो भी मतलब वो भी नहीं होगा क्योंकि वो हम पेपर तो मतलब पेपर भी पोस्टपोन हो गए हैं और हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है सर यहाँ पे इतने अच्छे से। ठीक है कोमल जी, आपकी बात सरकार को पहुंचाई जाती है, लेकिन अभी आप जहाँ हैं वही सुरक्षित रहिए, जब तक सरकार की ओर से कोई उद्घोषणा नहीं होती है तब तक सजग रहिए, सतर्क रहिए, आपकी बात हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। हेलो, लाइव सिटी में आपका स्वागत है। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। जी सर, मैं कोटा से बोल रहा हूँ सर। क्या नाम हुआ आपका? जी गौतम नाम हो सर मेरा, गौतम कुमार रोशन। गौतम कुमार रोशन जी, कहाँ के रहने वाले हैं बिहार के आप? जी मैं सुल्तानगंज भागलपुर का निवासी हूँ। सुल्तानगंज भागलपुर रहने वाले, किस इंस्टीट्यूट में हैं आप? जी जी सर, किस इंस्टीट्यूट में हैं? जी मैं एलएन में पढ़ता हूँ सर। एलएन में पढ़ता हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप बिहार सरकार से, क्या क्या मांग रख रहे हैं? जी सर, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि सर मतलब आधे से ज्यादा हॉस्टल खाली हो चुके हैं और कोटा सर लगभग एक हॉटस्पॉट बनने को आ गया सर। 100 से ज्यादा केसेस हो गए हैं सर और दिन ब दिन केस बढ़ता जा रहा है कोटा में सर। और हम लोग को यहाँ खाना का थोड़ा सा खाना का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सर लगभग दिन में भी मतलब खाना आता है तो अभी मतलब यहाँ थोड़ा खाने का सप्लाई हो पा रहा है सर क्योंकि बहुत सारे मेस और बहुत सारे हॉस्टल थे सर यहाँ पे, तो उससे क्या हो पा रहा है सर हम लोग का खाना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मतलब खाना खा भी नहीं पाते हैं सर, काफी कम खाना आता है, क्वालिटी भी थोड़ा। आपकी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तब तक धैर्य बनाए रखिए, लॉकडाउन मत तोड़िए। हाँ सर, वो आपका मतलब आया था वो बात करने के लिए। अच्छा, कहाँ, कोटा से बोल रहे हैं? हाँ सर, कोटा से। क्या शुभ नाम है आपका? सर विवेक प्रसाद सर। अच्छा विवेक जी, कहाँ के रहने वाले हैं बिहार के आप? सर मधुबनी जिला। मधुबनी जिला के, वहाँ किस इंस्टीट्यूट में हैं? यस सर। किस इंस्टीट्यूट में हैं? एलएन में डीएलपी लेकर रह रहे हैं सर, वैसे इंडिविजुअल में। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है अभी आपको वहाँ? सर यहाँ मतलब केस बढ़ते जा रहा है बार बार और ये खाना खुद से बनाना पड़ रहा है जो कि हम लोग कभी करते नहीं थे इस टाइप का। अच्छा, बहुत दिक्कत मतलब। मेस वाले नहीं है? मेस वाले जिससे लेते थे वो तो बंद हो चुका है सर वो। अच्छा, और रूम रेंट की भी परेशानी हो रही है? किसी नहीं, रूम रेंट तो मांग नहीं रहा है अभी। हाँ आप, लेकिन सर मांगेगा तो। आप क्या कहना चाहते हैं नीतीश अंकल को? सर वो नीतीश सर को यही बोलना चाहते हैं कि सर हम लोग को अगर हो सके तो निकाले क्योंकि बहुत बच्चे बिहार के तो बहुत बच्चे यहाँ पे फंसे हुए सर, और सब अगर स्क्रीनिंग करके अगर वापस अगर सर वहाँ पर बिहार में भेज दिया जाए तो अच्छा रहेगा सर। चलिए ठीक है, आपकी बात सरकार को पहुँचाने की कोशिश हम करते हैं, तब तक आप धैर्य के साथ वहीं बने रहेंगे। हेलो, हाँ कोटा से बोल रहे हैं? हाँ सर। क्या नाम है आपका? हेलो सर, मेरा नाम रोशन प्रताप हुआ सर, हम बिहार से हैं। कहाँ के रहने वाले हैं बिहार के? सीतामढ़ी सर। अच्छा, क्या समस्या हो रही है अभी? सर समस्या यही हो रही है कि मेरे एरिया में सर केस भी पॉजिटिव आ चुका है। अच्छा। और मेरे एरिया को पूरा सील कर दिया गया और खाने की प्रॉब्लम है सर, मतलब खाना बंद का खाना नहीं मिल पा रहा है और हम लोग खाना खा पा रहे हैं और खाना ना खाने की वजह से पढ़ भी नहीं पा रहे सर, कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहे पढ़ाई पे और डरे भी हुए सर, थोड़ा डर भी लग रहा है यहाँ पे सर। क्या कहना चाहते हैं बिहार सरकार को? सर बिहार सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को कैसे भी करके बिहार बुला लिया जाए क्योंकि सर यूपी वाले बच्चे भी आज जा रहे हैं सर। अच्छा, जा रहे हैं। चलिए आपकी बात सरकार को, आपकी बात सरकार को पहुंचाई जाती है, आप जहां हैं अभी सलामत रहें, जब तक सरकार की उद्घोषणा नहीं होती है वहीं बने रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जी सर, धन्यवाद सर। बताएं। हाँ जी, कोटा से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? कोटा से बोल रहे हैं? हाँ, कोटा राजस्थान। अच्छा बताएं, क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं बिहार के? मैं बिहार गोपालगंज। गोपालगंज के रहने वाले, बताएं गौरव जी, क्या क्या समस्या हो रही है? जी यहाँ पे बहुत तरह की समस्या हो रही है, ना तो खाना मिल पा रहा है, सारे मेसेज बंद हैं, मतलब मैक्सिमम सारे तो नहीं, हॉस्टल में तो फिर भी खाना मिल जाता है, हम लोग रूम लेके रहते हैं। अच्छा, तो क्या खाना मिल रहा है अभी? खाना अभी तो काफी मेसेज बंद है तो इधर उधर से खाना पड़ रहा है, कभी तो हम लोग बना रहे हैं, फिर जो खाना मिलता भी है अगर मेस से कभी मंगवाते हैं किसी दूसरे मेस से तो उसमें डर रहता है कि अगर मेस वाला कहीं इन्फेक्टेड हो तो सारे बच्चे इन्फेक्टेड होंगे। चलिए आप क्या कहना चाहते हैं बिहार सरकार से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे यूपी सरकार ने इतना अच्छा काम किया, अपने बच्चों को यहाँ से निकाला है, हम लोगों को भी यहाँ से निकाला जाए, यहाँ पे बिहार के बच्चों में बिल्कुल डर का माहौल है और ऐसा मतलब हम लोगों को फील हो रहा है जैसे हम लोगों को कोई पूछने वाला है नहीं। चलिए, बगल के स्टेट के बच्चे जा रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है कि मतलब हम लोग अनाथ जैसे पड़े हैं, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है हमारे पास। आपकी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तब तक आप धैर्य बनाए रखें, ठीक है ना? नमस्ते जी। नमस्ते सर, सर मैं कोटा से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु आनंद। दिव्यांशु जी, कहाँ के रहने वाले हैं बिहार के आप? मैं पटना का ही हूँ, पटना अनिशाबाद। अनिशाबाद के, बताएं क्या समस्या हो रही है?
सर मैं घर आना चाहता हूँ पटना। घर आना चाहते हैं? घर में माता पिता परेशान हैं आपको लेकर? जी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं नीतीश अंकल को आप? कि मतलब मेरे हॉस्टल में और भी कहीं कहीं बिहार के छात्र हैं जी, और साथ में वो भी आना चाहते हैं जी, और उनके माता पिता काफी टेंशन में। और आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब तक धैर्य रखें और जब तक कोई सरकारी उद्घोषणा न हो कृपया न निकले। हाँ हेलो। हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मनीष प्रेम नाम है। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के मधेपुरा। मधेपुरा के किस इंस्टीट्यूट में हैं आप? हाँ हम सर्वोत्तम करियर इंस्टीट्यूट में। अच्छा क्या परेशानी हो रही है अभी? सर हम लोग एक तो यहाँ फंसे हुए हैं बहुत ज्यादा, मतलब एक तो मेस जिस मेस में खाना खाते थे वो मेस वाला चले गया है। अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है सही से। हम लोग दिन रात मतलब कितने लड़के आप लोग हैं? हम लोग लगभग 20 लड़के हैं मधेपुरा से। 20 लड़के हैं। क्या कहना चाहते हैं बिहार सरकार को? हम लोग बस अपने घर चले जाए, अपने पेरेंट्स के साथ चले जाए, बस यही चाहते हैं। हम लोग घर पे रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अभी यहाँ एक तो एग्जाम का स्ट्रेस, दूसरा यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। मैगी हम लोग 10 रुपए का मैगी 30-30 रुपए में मिल रहा है यहाँ, वो खा के दिन रात हम लोग बस 10 रुपए की मैगी 30 रुपए में मिल रही है। हाँ 20-30 रुपए ऐसे जो मन होता है अपने मन से पैसा ले रहा है। चलिए आपकी बात पहुँचाने की कोशिश हम करते हैं, अभी आप वही बने रहे जब तक सरकार की उद्घोषणा नहीं होती है, ठीक है ना? ठीक धन्यवाद। हाँ जी लाइफ सिटी से बोल रहे हो सर क्या? हाँ जी हाँ जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कोटा से बोल रहे हैं? हाँ हाँ मैं कोटा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम प्रसून सौरभ है। कहाँ के रहने वाले हैं बिहार के? मैं बिहार में सहरसा से रहने वाला हूँ। क्या घर सहरसा में क्या समस्या हो रही है? समस्या यहाँ पे बहुत सारी है, ठीक है? मेन समस्या ये है कि कोटा में 70 के आसपास कोरोना पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। अच्छा। और हम लोग का जो खाना है, हम लोग को खाने की कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे को किसी को खाने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दिक्कत ये है जी, जो हम लोग जो खाना हमारा जहाँ मेस पे आता है, जहाँ पे हम लोग को जाके खाना लाना होता है, घर से लाके खाना होता है जी, इस 70 केस चूंकि हो चुका है तो यहाँ पे अभी बहुत सारे बच्चों में भी इसके ट्रांसमिशन के चांसेस है और मेस से हो सकता है हम लोग को भी फैल जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिहार की सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार सरकार से मेरा यही कहना है जो अभी चूंकि करेंट सिनेरियो को देखिए बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप बच्चों को लाए, नहीं तो कोरोना अगर एक बार स्टूडेंट में फैल गया तो हर किसी में फैल सकता है। चलिए ठीक है धन्यवाद, आपकी बात पहुंचाई जाती है। हेलो जी कोटा से? हाँ कोटा से है भैया। अच्छा क्या नाम हुआ? हेलो हेलो क्या नाम हुआ आपका? जी अरुण कुमार। कहाँ के रहने वाले? दो दोस्त हैं बिहार अररिया से और रविंदर कुमार। अच्छा तो रविंदर जी अरुण जी क्या कहना चाहते हैं बिहार सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं हम लोग पिछले मतलब 25 जब से लॉकडाउन हुआ है पहले तो थोड़ा ठीक ठाक था, ना ही घर से पैसा भेज पा रहे हैं पापा लोग और मैच भी सारा बंद हो गया, मतलब किसी तरह घर जाना चाह रहे हैं। अच्छा। तो भी तो मतलब खुद का भी परमिशन मिल जाएगा, खुद से प्राइवेट गाड़ी से चले जाएंगे हम लोग। चलिए घर जाना चाह रहे हैं। खाने पीने की समस्या भी हो रही है? जी बहुत समस्या हो रही है, मैच से कोई मैच से खाना मिल रहा है बहुत घटिया मिल रहा है। अच्छा। या खुद से बनाना पड़ता है रूम रेंट और बहुत सारा मैच से खाना भी नहीं मिला। रूम रेंट तो पैसा मांगने आता है मकान मालिक तो मना कर देते हैं तो मान जाता है, लेकिन वो भी मांग ही रहा पैसा। किस इंस्टीट्यूट में है? रेजिडेंस से। चलिए आपकी बात हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तब तक आप धैर्य बनाए रखिए और जब सरकार की परमिशन दिलवा लीजिए बस इतना से कर दीजिए। चलिए आपकी बात हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं आपकी परेशानियों को। जी सर। हाँ हेलो लाइफ सिटीज में आपका स्वागत है, बताएं अपना नाम। अमन वर्मा। अमन जी कहाँ? कोटा से बोल रहे हैं? हाँ कोटा से बोल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं बिहार के? पटना। अच्छा क्या समस्या हो रही है? खाना होना दिक्कत हो रहा है सर, मैं तो सब बंद कर दिया है और फिर खाना कभी आता है तो उतना बढ़िया नहीं आता है। पटना में कहाँ के रहने वाले हैं? और दिन पटना में कंकड़बाग के रहने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं नीतीश अंकल को? ठीक है आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप मम्मी पापा के साथ संपर्क में रहिए और हौसला बनाए रखिए, लॉकडाउन को मत तोड़िए, ठीक है ना? हम लॉकडाउन को नहीं तोड़ रहा हूँ लेकिन यहाँ खाने का दिक्कत हो गया, सुबह कुछ मिलता नहीं है, 2 बजे तक भूखे रहना पड़ता है, 2 बजे के बाद। चलिए आपकी बात हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश। तो आपने सुन लिया, हम नीतीश कुमार जी से गुजारिश करते हैं कि वे इन छात्र छात्राओं के लिए
सोचें। देखिए कॉल्स लगातार आ रहे हैं, हम उनसे फिर से कैसे संपर्क स्थापित कर पाते हैं, उनका हौसला कैसे बढ़ा पाते हैं, यह हमारे लिए भी एक चुनौती है। हम लगातार छात्र छात्राओं से कहते रहें कि आप जहां हैं वहीं बने रहें, क्योंकि सरकार का दिशा निर्देश यही है, अपना हौसला बनाए रखें। लेकिन इन छात्र छात्राओं के संपर्क में हम फिर से आने की कोशिश करेंगे और इसकी सूचना हम विभिन्न प्लेटफॉर्म से देंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। धन्यवाद।